रेमो जेम एम टेबलेट जो कि 500 mg में रहती है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिका के द्वारा बनाई जाती है। मेटफॉर्मिन इसके अंदर 500 mg रहता है और रेमोग्लोजोबिन एस्टाब्लोनेट 100 mg रहता है। और 10 टेबलेट का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 151 रुपीज़ रहता है, मतलब 151 रुपीज़ के करीब रहता है। तो ये टेबलेट जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलेनाइटिस में यूज होता है, तो इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, ड्रग कैसे काम करेगा, यूजर्स क्या है और ये सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि रेमोजेम एम 500 mg टैबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। रेमोजेम 500 mg टैबलेट जो कि एम टैबलेट है और इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो मेटफॉर्मिन 500 mg रहता है और रेमोग्लोबुलिन एस्टाब्लेट 100 mg रहता है। 10 ग्राम टैबलेट का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 151 रुपीज़ रहता है। तो रेमोजेम एम 500 टैबलेट जिसके अंदर दो दवाई डाली गई है जो कि हेल्प करती है और कंट्रोल करती है ब्लड शुगर लेवल को, और ये ट्रीटमेंट करती है जो एक्सेसिव ब्लड शुगर होता है उसको कंट्रोल करती है और टाइप 2 डायबिटीज मेलेनाइटिस में यूज होती है, और ये यूटिलाइज कर देती है उसी इंसुलिन को जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है और शुगर का लेवल कम करने में हेल्प करता है। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलेनाइटिस में यूज होने वाली ये टैबलेट है, अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द लग सकता है और आपको भूख कम लग सकता है और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि हो सकते हैं। तो जब भी इस टैबलेट को ले तो डायबिटोलॉजिस्ट की सलाह से ले और इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जब तक बोले तब तक ले। तो रेमोजेम एम 500 mg टैबलेट काम कैसे करती है, तो इसका मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर जो दो दवाई डाली गई है वो दोनों ही एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जैसे कि रेमोग्लोबुलिन एस्टाब्लोनेट एंटी डायबिटीज मेडिसिन है जो कि सोडियम ग्लूकोज डिपेंडेंट रेनल ट्रांसमिटेड टू काम करती है, और ये क्या करती है कि जो एक्सेसिव शुगर रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है यूरिन की सहायता से। और मेटफॉर्मिन क्या करती है कि ये भी एंटी डायबिटीज मेडिसिन है जो कि क्या करती है कि ग्लूकोज को कम प्रोड्यूस करती है लीवर से और ये शुगर को डिनाय कर देती है ऑब्जर्वेशन करने से, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिव रहती है बॉडी के अंदर और कंट्रोल होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल। तो ऐसे काम करती है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रही तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।